खैरियत से नदीम भाई? अल्हम्दुलिल्लाह एलेदी सहमत है, खैरियत से। अच्छा अच्छा माशाल्लाह, खुशी की बात। बार बार क्यों पूछते हैं सईद भाई से? बात सईद भाई से बात कर रहे थे। किससे? और सईद भाई से। ये कौन है? सईद भाई। सईद भाई यार इंसान है। इंसान है, बात करो। अच्छा बात करा दूंगा, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो आप उसमें मैंने यूट्यूब पे सुना। जोर से बोलना है यार, पहली बात तो इतनी धीरे बोलते हैं और फिर आगे बड़बड़ाना मत। ठीक है ठीक है, आप परेशान क्यों नहीं? नहीं करने वाला मुनाफिक होता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ आयतुल मुनाफिक सलासुन अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अभी देखते हैं, अभी देखते हैं। قال رسول الله صلى الله عليه وسلم आयतुल मुनाफिक सलासुन इज़ा हदथ कذب व इज़ा वअद अखलह व इज़ा तुमिन खाना। وكما قال رسول الله رواه البخاري। ठीक है चलो, ये हदीस हो गया, तुम भी तकलीफ छोड़ दी। मैं क्या बोल रहा हूँ, तो आप उसमें कह रहे थे ये जो सही मुस्लिम की हदीस के ताल्लुक से बात हो रही थी, ठीक है नदीम भाई? तो सही मुस्लिम की हदीस के अल्फाज आप बार बार सईद भाई से बोल रहे थे। आप पता नहीं सईद भाई मतलब अरबी पढ़ते या नहीं पढ़ते, वो तो मुझे मालूम नहीं। ठीक है तो मैं आपको वो हदीस के अल्फाज दे देता हूँ। बार बार आप करते कि हदीस के अल्फाज बोलो। ठीक है क्या बोल रहे? ठीक है क्या पहले बजा रहा, क्या बात चल रही थी? रफुल यदेन के ताल्लुक से बात हो रही थी। तो आप कह रहे थे कि आप इंग्लिश के मतलब इंग्लिश है आपके पास या किसके पास है? तो सईद भाई बोले थे कि मेरे पास वो मतलब इंग्लिश भी है, अरबी भी है और जुबैर अली जई साहब की एडिटिंग भी है। ठीक है नहीं ठीक तो, है फिर भी समझ में नहीं आया क्या बात चल रही थी। मतलब रफुल यदेन पे बात हो रही थी। हाँ तो बात तो हो रही थी, क्या बोल रहा था सईद? सईद भाई ये कह रहे थे कि मैं सही मुस्लिम से 968 हदीस का नंबर बता रहे थे। हाँ तो कि मैं वो पढ़ता हूँ तो आप उससे फिर सईद भाई ने ये कहा कि सही मुस्लिम का बाप किसने बांधा है? तो आपने कहा कि नहीं वो गलती थी। हाँ आपके इमाम नववी ने बांधा है। इमाम नववी नहीं, इमाम नववी। हाँ इमाम नववी। नववी नहीं नववी। नववी तेरे को वाव समझ में नहीं आ रहा है? नववी नहीं नववी नहीं नववी। अरे तो कुछ भी इतनी सलाहित मत दिखा, मुकल्लिद है ना तू। अरे यार मुकल्लिद ही बन जाएगा। सुनो ना फिर आपको आखिर में तो मुकल्लिद बनेगा कि नहीं बता? सुनो सुनो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे सवाल का जवाब देना। क्या बोले? मेरे सवाल का जवाब देना। यार तो मैं मुकल्लिद हूँ ही तो बनने की क्या जरूरत है? नहीं अभी तो सलाहियत दिखा रहे, मुकल्लिद की कोई सलाहियत होती है क्या? नहीं दीन भाई मेरी सलाहियत अल्लाह के, मुकल्लिद की कोई सलाहियत होती है? तकदीस बिन नेमा के तौर पर बोलता हूँ, जुर्रियत अहले हदीस साहब की अल्हम्दुलिल्लाह। मुकल्लिद की कोई सलाहियत होती है क्या? अगर उसको सलाहियत होती मुकल्लिद क्यों होता वो? सुनो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो ना हमारे सुनो पास ना, इतनी सलाहियत करके भी अल्हम्दुलिल्लाह मुकल्लिद है क्यों पता है? क्यों कुछ नहीं है सलाहियत। अरे तो मैं क्या बोलता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ नदीम भाई, अरबी तकल्लुम करेंगे? अरे तो अरबी तकल्लुम करेंगे? अरे तो बोल रहा हूँ, सुनो ना मैं मौजू पर आ रहा। तो सईद भाई आपसे बार बार ये कह रहे थे कि मैं 968 हदीस पढ़ा था, आप बार बार ये कह रहे कि उसकी अरबी है आपके पास? ठीक है छोड़ो, हाथ फिर आगे बढ़ो। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि सईद भाई ने आपको अरबी नहीं दी थी, मैं आपको अरबी दे देता हूँ। ठीक है हाँ तो अंतमीम इब्न तरफत व अंजाबिर इब्न समर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। पढ़ना बे क्या बात चल रही थी, उससे फैसला किस बात का, मतलब क्या इख्तलाफ था? मैं हदीस के अल्फाज दे रहा ना आपको, आप के अल्फाज पर इख्तलाफ चलता था। शौक हो रहा था कि कोई हदीस पढ़े अरबी में, तो हमने अरबी पढ़ा ना। मत दिखाए मैं मालूम है तो मुकल्लिद क्या था ये बता, रफुल दैन पर वो क्या साबित कर रहा था उससे? रफुल दैन नहीं रफुल यदैन। अरे रफुल यदैन पर क्या साबित कर रहा था वो? हाँ वो तर्क दाल सही निकाल, दाल सही निकाल, दुआत मत बोल, वो तर्क साबित कर रहे थे। हाँ सही मुस्लिम तर्क साबित कर रहे, सही मुस्लिम में तर्क है। हाँ हाँ तर्क है। अच्छा इमाम नववी ने बाप माने उस पर तर्क था? ना इमाम नववी नहीं, इमाम नववी। हाँ इमाम नववी ने बाप माने, इमाम नववी शाफी, ये शाफी मुकल्लिद है। हाँ तो बाप माने तर्क, इमाम नववी शाफी है और तो मतलब इमाम नववी शाफी है तो वो बाप नहीं मानेंगे? बिल्कुल बाप मानेंगे, बिल्कुल बाप मानेंगे। रफुद्दीन की हदीस से नहीं नहीं नहीं, रफुद्दीन मान लेंगे। जरूरी नहीं है कि हर हदीस का ताल्लुक बाप से हो, ये कोई जरूरी नहीं है। अल्लाह अकबर, फिर क्या है जरूरी? अच्छा मुझे बता एक बात, ये बाप होता क्या? नहीं नहीं ये बाप होता क्या? सही बुखारी का सबसे पहला बाप क्या है? ये बाप होता क्या है पहले बता। मैं क्या बोल रहा हूँ, बाप जो होता है वो हदीस का दावा होता है। हाँ तो दावा जो होता है वो हदीस का दावा होता है। इमाम नववी शाफी ने, तुमने जो इमाम नववी शाफी कब के हैं? तुमने जो अभी गप मारे हो, इमाम नववी शाफी कब के हैं? हदीस से बाप का कोई ताल्लुक नहीं होता। पूछ रहा हूँ अदीम भाई, तुमने जो अभी गप मारे हो, तुम्हारी गप पकड़े गई है कि तुम्हें कितना समझते हो, तुम आगे मुकल्लिद हो। दुनिया सुनेगी,
मुकल्लिद हो तुम्हें कुछ नहीं आता। अगर हदीस से बाप का ताल्लुक नहीं होता, अगर हदीस से बाप का ताल्लुक नहीं होता तो मौजिद किस बिना पर बाप आपके कहा ना इश्काल कर रहा हूँ, मेरे इश्काल का जवाब दो ना। मैं कह रहा हूँ कि सही बुखारी का पहला बाप क्या है? दावा किया है कि बाप से हदीस का ताल्लुक नहीं होता। सुनो ना, तो नवीन भाई आप मुझे सबसे मानता है मुहद्दिस। सुनो ना, ये आपकी बात है, मेरी 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 मगरिब की नमाज बाकी वाली नहीं है, मेरा मगरिब का नमाज बाकी है। सवाल का जवाब दे, शाफी ने अपने इतिहास को पेश किया है, इमाम नवी शाफी है, मगरिब बात कर, मगरिब बात बात करते हैं। ये देखो भाग रहे, कंट्रोल ले रहे हो। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम नहीं, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी, मैं पहले ही बता चुका आपको। क्या हुआ, तबीयत अभी ठीक नहीं है क्या? अल्हम्दुलिल्लाह, फज़लिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आवाज ऐसी बदली बदली तुम्हारी निकल रही है, सब खैरियत तो है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कयास माल तारीख मरदूद इंदना, नहीं ये तो कयास जायज है। माशाल्लाह, कयास की तारीफ, कयास की तारीफ, एक 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 चीज को दूसरी चीज का कयास करना। अरे नवीन भैया कुछ पढ़ लिया करो यार, कुछ पढ़ लिया करो। वैसे तेरे कुछ नई तारीफ है क्या? कुछ पढ़ लिया करो। नहीं नहीं, तेरे कुछ नई तारीफ है क्या? वो तारीफ आपने की है, किताब का नाम बताएं कहाँ से किया आपने? तू हंस काहे कर रहा, तू पहले नहीं, तू अपनी तारीफ तो बताओ, मेरा रद्द तो कर। जो तारीफ की है ना वो दुनिया की किसी किताब में भी नहीं है। किसी की जय, तेरे खुद नहीं मालूम। अच्छा तुमने बाप पर जो बात बन रहे थे कि बाप जो मानता है मोहते, कयास की तारीफ पर दुनिया बहुत हंसेगी। हाँ हंसने दो, फिलहाल अभी तुम रोगे। हंसने दो, तुम जहालत वाली बात क्यों करते हो? हाँ वो तुमने जो भागे ना सही मुस्लिम पर जहालत बोली के, बाप का ताल्लुक हदीस से नहीं होता, ये तुमने कहाँ पढ़े थे? पूरी मुनासिबत नहीं होती है कभी कभी। कभी कभी तो तुमने तो मुतलकन कह दिए थे वहाँ। हाँ मुतलकन मैंने नहीं कहा है, नहीं नहीं नहीं, मैंने रुजू नहीं किया, रुजू इसको बोलते भी नहीं। आप बात को समझे। अच्छा मुतलकन बोले थे, मतलब बात खास हो गई है, बात रफ्फुल यदैन पर हुई है और मैंने साफ। भाई तुम्हारा वो कलिमात जो है ना वो उसमें रिकॉर्ड हो चुके हैं, अब वो दुनिया सुन लेगी और थूकेगी वो जोर से, हाँ थूक करके। जी जी मैंने फैला भी दिया है, बहुत मजा आएगी जब मैं फैलाऊंगा ना, ये दूसरा वाला सुन के नहीं है ना, दूसरा सुन के जब वो दुनिया समझेगी ना फिर मजा आएगा। अच्छा ये तुम तय कैसा करते हो कि इसका ताल्लुक बाल हदीस से नहीं है? आपको तरक्की दे। हाँ मैं क्या बोल रहा, नदीन भाई जैसे मैंने ये कहा कि बाप हर जगह कोई मुनासिबत नहीं रखता, मैंने आपसे ये कहा मुनासिबत नहीं रखता, मुनासिबत नहीं मुनासिबत, ठीक है तो काय से मुनासिबत नहीं रखता, काय से नहीं रखता, ये तो मैं क्या बोल रहा नदीन भाई, अरे हर जगह बाप काय से मुनासिबत नहीं रखता, मुनासिबत नहीं मुनासिबत, अरे मुनासिबत ही बोला तेरे को, मुनासिबत सुने आ रहा मैं क्या करूँ, मुनासिबत नहीं नदीम भाई, अरे मुनासिबत नहीं मुनासिबत ही बोला तेरे को, सुनाई नहीं दे रहा ना, कौन से वजन पर आएगा बोलो? अच्छा बता ना, बाप मुनासिबत काय से नहीं वजन पर आएगा, आपको कुछ असल में आपने अरबी ग्रामर अरबी जाना बिला वजह फिर हम टॉपिक किधर के चला जाएगा, तेरे खुद अरबी नहीं आती। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप अरबी पर मुझसे बात भी करने का, मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे जाओ तो मालूम नहीं था नवीन भाई, जब आपने बाप की बात की ये तो जल्दी बता, जो तूने पहले कहा था कि बाप का ताल्लुक हदीस से नहीं होता तो फिर काय से होता है? हर जगह मुकम्मल मुनासिबत नहीं होती। ये उसूल कहाँ पड़ा? हाँ मैं तो बता रहा हूँ ना आपको, मैं आपसे क्या पूछा था कि सही मुस्लिम का बाप किसने बांधा है? हाँ मुस्लिम पढ़ा तूने, तूने बोला बता रहा हूँ, बता मैं कहाँ पढ़ा। नदीम भाई आप मेरे सवाल का जवाब देना, वो पहले पार्ट में दे दिए, वो दे दिए, अभी तू ये बता बाप किसने बंदा, मुझे बताए ना, मुझे बताए पहले, अभी जो तूने कहा कि बता रहा हूँ तो कहाँ पढ़ा बता, बताए ना मुझे बताए, बता 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 जल्दी बता। मुस्लिम का बाप किसने बंदा, बात हुई थी वादा और खिलाफी नहीं होगी, मुनाफिक की अलामत है, अभी तूने बता रहा हूँ तो बता। आप सुकून से बात करें ना, अल्हम्दुलिल्लाह एक घंटा बात करेंगे, एक घंटा बात करूंगा। हाँ तो बता दे, कहाँ पढ़ाई उसूल तूने? सही मुस्लिम का हदी बाप का ताल्लुक हदीस से नहीं होता। हाँ बता बाप बता, मुकम्मल मुनासिबत नहीं होती है कभी, मुनासिबत पैदा की जाती है, जैसे कि बुखारी शरीफ के कई बाप के बारे में बात को पलट दिया तो शाफी रही मौला ने क्रिकेट हो गया है, तकलीफ करने के बाद तुम क्रिकेट बन जाते हो क्या? अल्लामा आइनी हनफी रही मौला इसी तरीके से इब्ने हजर क्या बोले, क्या बोले उन्होंने?
मैंने कहा इब्ने हजर अस्कलानी शाफी रहीमुल्लाह अल मुतवफ्फा 850 पर 2 हिजरी यानी कि 52 हिजरी 850 पे 2 52 ठीक है, वो जबरदस्ती मुनासिबत को साबित करते हैं। ठीक है, आप अगर बुखारी वगैरह पढ़ेंगे ना हाफिज इब्ने हजर, हाँ हाँ, नऊज़ु बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, जबरदस्ती जी बिल्कुल, आइम्मा की इतनी बड़ी तौहीन, तौहीन नहीं है जबरदस्ती। तो जबरदस्ती का क्या माना होता है? जबरदस्ती का माना ये कि ये बात को यहाँ उठाना, फिर इस लफ्ज़ का ये माना करना, मतलब वो होता नहीं है, मतलब वो होता नहीं है, होता नहीं है, लेकिन जबरदस्ती कर देते हो। फिर हाँ सुनो, इतनी बड़ी तौहीन बुखारी का दिफा किया है, ये बल्कि इमाम इब्ने हजर अस्कलानी शाफी रहिमुल्लाह ने इमाम बुखारी का दिफा किया है। जबरदस्ती किस तरीके से? हाँ जबरदस्ती किस तरीके से, मतलब वो थे नहीं, जबरदस्ती करती थी। यहाँ पास एक इबारत मुकद्दर है, अगर इस इबारत को मुकद्दर मान लेंगे तो फिर इमाम बुखारी पर इल्जाम बाकी नहीं रहेगा, इसलिए कहते यहाँ पास एक इबारत को महजूफ मान लेते हैं हम। ठीक है, फिर उसके बाद में इस तरीके से उस इबारत को वो वाजे कर देते, लिख देते, और उसके बाद में फिर कहते हैं कि इस तरीके से मुनासिबत पैदा हो गई। तो जाहिरन ऐसा दिखता है कि बाद से मुनासिबत नहीं है। ठीक है, मैंने इसका जवाब दे दिया। अच्छा, ये तुमने तकलीद से सीखे या गैर मुकल्लिद बन के उसूल? अब दूसरी बात पर हम आते हैं। तुमने तकलीद से सीखे हो या गैर मुकल्लिद बन के, तुमने क्या बोले? नदीम भाई, अभी बात तकलीद पर नहीं हो रही, मैंने आपको समझा दिया जो बात थी, मैंने जो बात, तुमने क्या कहा कि आखिर में तुम मुकल्लिद ही रहते हो, तब तुमने जो उसूल बयान किए तकलीद से सीखे। अब मेरे सवाल का जवाब दोगे आप? नहीं, आराम से उसूली बात कर लिए, उसूली बात में उसूल से बात किया, मैंने आपको जवाब दे दिया ना। तो कहाँ तुमने उसूल तुमने सीखे कहाँ से? तकलीद मुकल्लिद बन के गैर मुकल्लिद बन के? सुनो ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोला नदीम भाई, मैंने इसका जवाब आपको दे दिया ना। मुकल्लिद बन के किया कि गैर मुकल्लिद बन के? नदीम भाई, जब बात तकलीद पर होगी तो उस पर भी करेंगे। नहीं, तो बात तकलीद पर ही हो रही है, इसका मतलब इसका ताल्लुक तकलीद से नहीं है? बात तकलीद पर नहीं हो रही, मतलब आपके यहाँ तकलीद किधर होती है? अगर इसका ताल्लुक तकलीद से नहीं है तो किधर होती है? आप फिर इधर उधर जा रहे हैं। ना ना ना, मैं तो उसूली बात कर रहा हूँ, बेउसूली बात तो तुम कर रहे हो। मैं क्या बोल रहा हूँ, बात किस पर हो रही थी, आप मेरी बात तो समझो। बताओ, मैंने आपसे क्या बोला, सही मुस्लिम कहाँ होती है? सुनो नदीम भाई, मैंने क्या बोला था, मैंने क्या बोला था कि बज़ाहिर ऐसा दिख रहा है हमारे को भाई, तुम कि बात तो बना चलेगी ना होती है, और उस पर इमाम बुखारी का दिफा किया है इब्ने हजर वगैरह ने, इमाम इब्ने हजर ने, तुम मुकल्लिद हो, हनफी ने, इस तरीके से अल्लामा कस्तलानी ने इरशादुस्सारी के अंदर, और इब्ने हजर ने फतहुल बारी के अंदर, और अल्लामा ऐनी हनफी ने बदरुद्दीन ऐनी हनफी रहिमहुल्लाह अल मुतवफ्फा 855 हिजरी ने किस तरीके से इबारत को मुकद्दर मान करके इमाम बुखारी रही मोहल्ला अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस का दिफा किया है। कहा नहीं, यहाँ पास एक इबारत को अगर महजूफ मान लेते हैं हम, तो फिर इस पर इमाम बुखारी रही मोहल्ला अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस पर कोई इल्जाम बाकी नहीं रह जाता, तो इस तरीके से वो मुनासिबत पैदा करते थे। ठीक है, अब मैं भाई तो ये तुमने कहाँ से सीखे, तुम तो मुकल्लिद हो ना भाई, ये मैंने मदरसे से सीखा है, मैंने अपने उस्तादों के पास पढ़ा। मैंने नदीम भाई, फिर आप देखो मुझे पता है तुम बात करना नहीं चाहते, डर क्यों हो रहे हो भाई? तकलीफ तो तुम्हारा मजहब है, डरूंगा यार? तो बोलो ना, किसकी तकलीफ में सीखा? दूसरी बात, तुम्हारे तकलीफ से सीखा जाता है बिना तकलीफ के? सुनो ना, मैं क्या नदीम भाई, सन नदीम भाई, हिम्मत करो यार, डरो मत यार, अब्दुल्ला भाई जैसे यार बहुत जल्दी यार, हम तो पूछ रहे ना भाई, तुम गैर मुकल्लिद बन के सीखे या मुकल्लिद बन के? नदीम भाई, हम तो उसूली बात कर रहे हैं, हमारा मतलब उसूल है, जिसका कोई उसूल नहीं है मुसलमान होता क्या? अरे उसे पहले बता चुका हूँ ना मैं, इमाम नवी ने, किसने किसने? इमाम नवी ने। इमाम नवी कब के नदीम भाई? 780 हिजरी के। पूरा मुकम्मल बोलो। 780 हिजरी के है ना? 780 हिजरी के, पूरा मुकम्मल बोलो क्या है? अरे बोल तो दिया 780 हिजरी के, उसमें क्या मुकम्मल अधूरा है? 800 और 1500 होते हैं नदीम भाई, जोड़ लो। हाँ तो जोड़ ले, तो तू तेरे हिसाब से तो जोड़ ले, अब तेरे को मदरसे में ही सिखाए होंगे। अभी तूने तो तकलीफ से यही सीखा है ना, तूने तकलीफ से यही सीखा है। 700 और 800 हिजरी बोलते होंगे तो 1500 हो जाते होंगे, तेरा मजहब तेरे मदरसे में ही सिखाए होंगे। यार आप बुखला रहे, मैं क्या बोला, सही से बताओ ना कितने हिजरी है? हाँ 700-800 हिजरी, 700-800 यार, 100 साल का डिफरेंस हो जा रहा है यार। तो उन्हें से हुआ है, टेंशन हो रहा है, तू काहे को ले रहा है? अपने टेंशन तो होगा ना एक इंसान की, आप टेंशन क्यों हो रहा है? तेरी तबीयत क्यों खराब हो रही है? मत्ते पर मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, इमाम नवी शाफी कब के, यानी कि वो मुतवफ्फा क्या है? 700-800 हिजरी के होंगे, 700-800 में बहुत फर्क हो जाता है यार। तो टेंशन ले रहा, तू मत्ते पर आना,
हाँ मैं मसले ही पर हूँ, जब आप बात बता देंगे मैं आगे चलूंगा। हाँ तो बता दिया 708 हिजरी। 708 तो ये कैसी बात है, 700 भी बोल रहे तो कौन सा ही कौन सा जुमला है? कोई सा भी होने तू गायक तुम अच्छे पे आना। अरे बिल्कुल इल्म खत्म हो गया, ऐसा ख्याल तू यही अटक गया। इल्म खत्म नहीं हुआ नहीं, नदीम भाई सुनो ना मैं क्या बोलूँ, मैं इमाम नवी शाफी पे बात कर रहा हूँ। इमाम नवी शाफी मुतवक्का क्या है मुझे बताना, नवी है वो नवी नहीं है? मैं नवी बोल रहा हूँ, मैं आपको उससे नवी बोला था अभी सिखाया भी। नहीं 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 वो सब रिकॉर्डिंग में आ गया, पहले आपको एक सिखाया भी है। नहीं नहीं मैंने सिखाया थे अभी, वल्लाही नदीम जो झूठ बोला उसके ऊपर अल्लाह की लानत। आमीन आमीन, पहली रिकॉर्डिंग महफूज है। इमाम नवी शाफी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इमाम नवी शाफी रहीमुल्ला मुतवफ़ा क्या है? 700-800 हिजरी है। 700-800 में कौन सा कॉल सही है? कोई भी देखना पड़ेगा अभी। तो मतलब दो कॉल है इस ताल्लुक से, इमाम नवी शाफी रहीमुल्ला के ताल्लुक से 202 कॉल है। एक ये कि 700 हिजरी मुतवफ़ा है और एक ये कि 800 हिजरी मुतवफ़ा है ना। हाँ। दो कॉल है, ये कहाँ लिखे हुए दो कॉल? मैं बोलता रहा हूँ फिर भी बोले दो कॉल है। तो आप बोल रहे हो ना, पहला कॉल आपका ये है कि 700 हिजरी, अरे दोनों ही मेरे कॉल है ना, तो क्या बोले कहाँ लेके है? अच्छा आपके कॉल है, अच्छा आपके कॉल है, आप अपनी तरफ से बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब यार तो बोले नंबर। अच्छा अच्छा अच्छा, सामीन नाजरीन जैसा कि मुलायजा फरमा लिया होगा आपने कि नदीम भाई ने ये कहा है कि 700-800 हिजरी दो कॉल, और दो कॉल की अपनी तरफ से बोल रहे हैं। वल्लाह नदीम, इमाम नवी शाफी रही मोहल्ला की वफात में किसी ने कोई इख्तलाफ नहीं किया, मैं बता देता हूँ इनको कि शारे सही मुस्लिम क्या होने वाला है। इमाम नवी शाफी रही वो मुतवफ़ा जो है वो 676 हिजरी है। हो गया मेरी बात दुरुस्त हो गई? नहीं नहीं नहीं, 600 आप 800 भी तो कह रहे थे नदीम भाई, आप 800 भी कह रहे थे। शर्म तो कुछ कमाल करने का मकाम है, नदीम खान की साबित कर रहा ना, तेरा तो कोई कमाल ही नहीं हुआ। नदीम भाई को इल्म नहीं है ये बता, किसकी तकलीफ में बोल रहा है, किसकी तकलीफ में तूने मुतवफ़्फ़ा बताया? सामीन और नाज़रीन पहली बात तो ये है कि इमाम नवी शाफी रहीमुल्लाह की वफ़ात इनको मालूम नहीं है। देखो किसकी तकलीद में बताया बताओ, मैंने कहा था कि बाप से मुनासबत हर जगह नहीं होती, मुकल्लिद है ही नहीं झूठ बोल रहा था, किसकी तकलीद में बताया है ये? सुनो अब सुनो सामीन नाज़रीन, मैंने कहा था कि बाप से हर जगह ज़ाहिरी सूरत में मुनासबत नहीं होती है। अरे ज़ाहिरी सूरत में मुनासबत में बताया, मैं किसी की तकलीफ नहीं बल्कि तारीफ में उठाया है। तकलीफ छोड़ दिया, मुबारक हो इमाम, आगे बात करते हैं थर्ड पार्ट पे, फिर आगे थर्ड पार्ट पे बात करेंगे। इसने तकलीफ को लात मार दिया, अस्सलाम वालेकुम। तकलीफ को किसी ने भी लात हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। क्या अब्दुल्ला भाई अभी तक सोके उठे नहीं थे क्या? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह सो करके उठा हूँ, क्यों? तो नहीं फोन नहीं उठा रहे थे ना? हाँ नहीं कोई जरूरी है हर वक्त में उठाना फोन। अच्छा अच्छा, आप भी फोन कट करके भाग जाते ना? नहीं तो मेरे पास काम है ना भाई, काम रहता है ना, दूसरे को भी तो काम रहता है ना नदीम भाई। नहीं तो मैं फोन कट करता हूँ तो काम रहता है, आप जब फोन नहीं उठाते तो आप जरूर थोड़ी काम रहता होगा, आप सो रहे होंगे। काम रहता होगा जब भी तो नहीं उठा, नहीं काम वाला फोन कट कर देता है। फोन के पास रहेगा नहीं तो फोन कैसे कट करेगा? जब आदमी हमेशा अपने पास रखता है, सोता भी है तो अपने पास रखता है, बाथरूम में ही नहीं ले जाता बस, आप लेटरिन में होगा, आपको 10 लग गए होंगे मेरे बात करके। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं, मैं नहीं नहीं नहीं, अपने ऊपर कयास मत करना बिल्कुल। फोन तभी आदमी अपने पास नहीं रखता जब वो बाथरूम में होता है, ये मेरा मानना है। नहीं नहीं, मैं तो हर वक्त फोन अपने पास नहीं रखता हूँ, मतलब अगर बाहर छत से रख के आते हो? नहीं घर में, मतलब जहाँ पास सोता हूँ वहीं पास रख देता हूँ। हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ, पास में ही तो रहता है। पास में रहना और चीज है, और बेड पर रख दिया इंसान फिर बात मतलब नहीं है, वही की बात है। इबारतों से खेलने ही सीखो तुमने मदरसे में, तुमको आता है तो कुछ नहीं है। मुझे तो इबारत को फोन किए थे, मतलब ये है कि मुझे इबारत आती है अल्हम्दुलिल्लाह। इबारत से खेलने आना तो इबारत आती नहीं है? आती है ना मुझे इबारत, नहीं खेल सकता ना बंदा। अच्छा चलो मान लिए, चलो मान लिए ये इबारत से खेलते हैं, अरबी तकल्लुम करते के लिए फोन किए थे बताओ। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि जब सईद भाई ने आपको फोन किया था तो आप गधे की तरह भाग रहे थे, उछल कूद कर रहे थे।
तो सईद भाई के सामने आप ये बनना चाह रहे थे किफायतुल्लाह राफजी की किताब पढ़ करके कि मुझे अरबी आती है, तो हमने आपको सोचा कि चलो हम आपके सामने हदीस अरबी में पढ़ करके सुना दें, क्योंकि आप सईद भाई से बार बार ये कह रहे थे कि अरबी पढ़ो, अरबी अरबी है उसके पास, अरबी है आपके पास, तो मैं हदीस पढ़ता हूँ, आप सुना हदीस। एक बात बताओ, वो सईद कुत्ते जैसा भोग रहा था, तुमको बुरा लग रहा था क्या? नहीं नहीं, सईद भाई के सामने तुम कुत्ते की तरह हो जाते, एकदम गधे बन जाते थे। अरे सईद भाई वो हंसती है, सईद भाई तू नाम सुन करके कांपते हैं सईद भाई का। अबे उन्हें इज्मा वालों ने इस बात पर इज्मा ऐसा धोया है, इज्मा वालों ने इस बात पर इज्मा किया है कि नदीम से बात नहीं करेंगे, इसलिए सब गायब होगा पूरे मुफ्ती अजमल से लेकर सईद से लेकर आफ्ताब सिद्दीकी से लेकर इज्मा फाउंडेशन इज्मा करके गायब हो गया। अच्छा बता कौन बात करता मेरे से? मैं एक काम करता हूँ, अगर सुनो मतलब तुम सईद भाई से बात कर सकते हो। अरे उससे पूछ, वो मेरे से बात क्यों नहीं करता? तो मैं अभी कॉन्फ्रेंस में नहीं सईद भाई को। अच्छा ले ना, आप बात करोगे सईद भाई? अरे तू ये बता, वो भागना नहीं चाहिए वरना तेरे मुंह में पैसा। नहीं भागना, वो तो मुझे मालूम है तुम कितनी बार भागोगे। अभी देख, अभी उसकी स्पीड देख, ज्यादा स्पीड नहीं होती जब बात। ना मैं क्या कॉन्फ्रेंस पे ले और सईद को भी एक साथ ले ले। ना मैं क्या बोला, हाँ सईद भाई को मैं कॉन्फ्रेंस कर को भी ले ले, अलिज्मा फाउंडेशन से पूरा इज्मा कर चुके हैं नदीम से बात नहीं करने का। सईद भाई कोई आलिम नहीं है यार, सईद भाई आम बंदा है, जाहिल है सईद भाई, आम बंदा है, आम बंदा है, लेकिन इतना है कि सईद भाई तुझसे ज्यादा मुताला करके हैं। अच्छा दे तो सही, सईद भाई का मुताला तुझसे वर्दी है और तू पक्का जाहिल है, रबी है तू। अरे ले तो सही फोन पे, अभी देख कितना वसी दिखता हो। चल मुझसे बात कर लो, फिर इंशाल्लाह फंसी हो जाएगी। मैं क्या बोल सलीम भाई, संजीदा मिजाज ना हो ना आप परेशान। अरे मुकल्लिद बोल रहे संजीदा मिजाज, सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, बोल रहे स्वाद से बोल रहे नदीम भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ बोल रहे स्वाद से बोल रहे अगला बंदे अगले बंदे से संजीदा बोला था या स्वाद से बोला था ये बता। मैं सीन से बोला था मैंने, क्योंकि तुम इबारत से खेलते हो ना, क्या पता स्वाद से बोलो। अरे यार तुम जाहिल हो, जाहिली हो। अलिज्मा फाउंडेशन नदीम भाई एक बात मैं आपसे पूछ, फोन काय को किया था कल? हाँ मैं ये कह रहा था कि सईद भाई से आप अरबी लाइन पर लिया, थर्ड लाइन पर क्या अभी शुरू पड़ गया सईद का झांसा देकर? ना मैं क्या बोलो, सुन नदीम भाई, सईद को लिया कॉन्फ्रेंस पे लिया, अरे सईद को कॉन्फ्रेंस पे लिया। सुनो ना मैं क्या बोलूँ नदीम भाई, मैं ये कह रहा हूँ सईद को कॉन्फ्रेंस पे लेता हूँ है ना, तो ले लेना। बिल्कुल तो मैं क्या बोलो, पहले अगले को भी तो देखेंगे ना कि अगला फारिग है या नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, तू फोन तो कर, उठाता नहीं उठाता, लेकर के बात कर नदीम भाई, वक्त लेकर के बात कर। मतलब वो नदीम का नाम सुनते के साथ ही थर थर कांपता है क्या? वो तो दुनिया ने सुना, सईद तो कांपता ही था, अब्दुल्ला भी कांपने लगा नदीम के नाम से, गधे बन जाते। अच्छा कल चाहे फोन किया था? हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आपके सामने अरबी इबारत पढ़ रहा हूँ। अच्छा, काम कर, मुफ्ती अजमल को थर्ड लाइन पे ले ले। ना मैं क्या बोल रहा हूँ, हदीस में पढ़ता हूँ सुनो, अंतमीन इब्न पढ़ने अबू जहल बन जाते। अबे हदीस सुनते तो हम शौक से हैं, लेकिन हदीस तो बात नहीं हो रही है, बात क्या हो रही है? सुनो मैं पढ़ता हूँ हदीस, सुनो मैं पढ़ता हूँ हदीस, सुनो। नहीं तो अंतमीन इब्न सराफा अन जाबिर इब्न समरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لي اغاكم في ايديكم كانها اغراب خيل شمك। ये ऐसे हदीस पढ़ते हैं मदरसे में, अबू जहल बन रहे हो, ये ऐसे हदीस पढ़ते हैं। नहीं हद्दतना नहीं अन नहीं बस तभी। अरे सबे पागल कहेंगे सही मुस्लिम की हदीस सरत सुनेगा इसकी, क्या लेगा सही मुस्लिम की हदीस सरत पर बात करेगा इसकी? अरे मैं बोला सनत पढ़ा नहीं तूने, देखो आती नहीं पढ़ना था ना, शायद इसलिए नहीं पढ़ा। पागल कहीं का आया होगा, पागल कहीं का रावी है, सुन ना हदीस सुन ना। काय को पीसा ले इसमें फाउंडेशन सही है। जाबिर इब्न समरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु قال خرج علينا رسول الله सनद यहीं से ही है, सनद यहां से जी रावी हदीस है जाबिर बिन समरा रज़ियल्लाहु अन्हु, ये पूरी सनद है, सनद सही मुस्लिम की सनद पर तू बात करेगा तो पढ़ना, तूने बोला मैं पढ़ता हूं तो शौहर बताना पूरी, जरा पूरी सनद पढ़। अरे पागल कहीं का, मैं हदीस पढ़ा तू हदीस सुन ना, मैं को साले जाहिल तू खुद बोला मैं हदीस पढ़ रहा हूं, हदीस पढ़ के धोखा दे रहा है, पागल तो तू है। अभी हदीस पढ़ने का बोलता है और सनद गायब कर देता है, हदीस सुनना तेरा, हदीस जाबिर इब्न समरा कर दिए, अन जाबिर इब्न समरा पूरी सनद पढ़ो, वो जाहिल सईद तू भी नहीं आता, तेरे को भी नहीं आता। सही सनद पढ़ तू, हदीस पढ़ने में बात हो रही है क्या, हदीस में सनद भी आती क्या?
ना ना सही मुस्लिम की तरफ बात करेगा, इसको झांसा दे रहा था सही मुस्लिम के अंदर जो मतलब तमाम तो भी नहीं आता था तेरे को भी नहीं आता पूरी सनत पढ़। अरे हदीस सुन हदीस। हाँ पूरी सनत पढ़ हदीस सुन। अंजाबिर इब्न समर पर अल्लाह ताला पूरी सनत पढ़। सही मुस्लिम की तरफ बात करेगा साले जाहिल तेरे को भी नहीं आता तू क्या सईद पे निर्भर करने आया था वो भी जाहिल तू भी जाहिल। ना 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 पूरी सनत सही मुस्लिम की सनत पर बात करोगे भैया कौन कर रहा है पूरी सनत पढ़ने का बोल रहा हूँ कोई जरूरत नहीं है जब सही मुस्लिम पूरी सनत पर जाहिल तू आया था तो सईद पे निर्भर कर रहा कि हदीस नहीं पढ़ने आ रही थी मैं पढ़ देता हूँ चल पूरी सनत पढ़। ना 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 जरूरत नहीं है आपको पढ़ने की देखो कुछ नहीं आती पढ़ पूरी सनत तू पढ़ पढ़। मैंने तो बोलता वही नहीं किया अपने दावे से खुद काट कर फलीन तू पढ़ आया था सईद का दिफा करने तेरी लाल हो गई भाग रहा यहूदी भाग रहा दे